नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट ने प्रधानमंत्री ट्रॉफी के लिए सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट हेतु मूल्यांकन जारी। पाइप प्लांट के कर्मचारियों के लिए एक नई क्षितिज आरएसपी लाभप्रदता के पथ पर का सत्र आयोजित। और सिलिकॉन स्टील मिल के कर्मचारियों के लिए कार्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के प्रधानमंत्री ट्रॉफी में किए सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट हेतु 8 फरवरी 2018 को चौथे दिन का मूल्यांकन कार्य जारी रहा। सीआईआई एक्जिम के 4 सदस्यीय टीम में शामिल श्री टी राघवेंद्र प्रसाद, श्री मिलिंद जोशी, श्री आर रविंद्रन, श्री मनीष मेहता एवं श्री टी वेंकटेश ने मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न स्टेक होल्डरों से मुलाकात की। टीम ने 7 फरवरी 2018 को दोपहर सत्र में कार्यपालक निदेशक वर्क्स के सम्मेलन कक्ष में रणनीति योजना और ग्राहक संबंधी प्रक्रिया पर चर्चा की। महाप्रबंधक प्रभारी मिल्स एवं ऑक्सिलरी श्री पीके महांती ने सत्र की अध्यक्षता की। बैठक के बाद गुणवत्ता मानकों पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद मूल्यांकनकर्ताओं की टीम ने एचआरडी सेंटर में पीपल मैनेजमेंट पर चर्चा की, जिसकी अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके प्रधान ने की। बैठक में प्लांट के कई महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। दो ग्रुप में बटे मूल्यांकनकर्ताओं में से एक ग्रुप ने अपने चौथे दिन का मूल्यांकन कार्य परियोजना सम्मेलन कक्ष में परियोजना प्रबंधन पर विचार विमर्श के साथ प्रारंभ किया। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल ने सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद एचआरडी सेंटर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में टीम ने प्लांट कर्मचारियों के साथ बातचीत की और आरएसपी में अनुरक्षण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को विचार विमर्श में शामिल किया। अन्य एक ग्रुप के टीम सदस्यों ने वित्त सी एंड आईटी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मूल्यांकनकर्ताओं को उक्त बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि 9 फरवरी को सीईओ के सम्मेलन कक्ष में समापन बैठक के साथ मूल्यांकन कार्य की समाप्ति होगी। एचआरडीसी में पाइप प्लांट के कर्मचारियों के लिए 6 जनवरी को संचार पहल एक नई क्षितिज आरएसपी लाभप्रदता के पथ पर का एक सत्र आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री आशीष चक्रवर्ती ने सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। विभाग के विभिन्न अनुभागों से 60 से अधिक कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। पाइप प्लांट के प्रबंधक श्री एमपीवी नायडू ने बाजार परिदृश्य, लागत विश्लेषण, लागत अनुकूलन के लिए पाइप प्लांट की भूमिका और निष्पादन में सुधार पर एक प्रस्तुतीकरण किया। विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने निष्पादन में सुधार हेतु महत्वपूर्ण फीडबैक और सुझावों के साथ आगे आए। राउरकेला स्टील प्लांट की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग दुर्घटना मुक्त इस्पात का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु अनेकों कर्मचारियों के साथ साथ ठेका श्रमिकों के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
इस क्रम में सिलिकॉन स्टील मिल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग में 5 फरवरी को एक दिवसीय कार्य सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के कुल 40 कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा निरीक्षक श्री एस के विश्वाल द्वारा सामान्य सुरक्षा उप महाप्रबंधक एसएसएम श्री सी एन मिश्र ने ऑपरेशन खतरा और फर्नेस सुरक्षा प्रबंधक ईएमडी श्री बी एन पांडे ने गैस सुरक्षा और प्रबंधक अग्नि सेवा श्री एम सोन कुसरे ने अग्नि सुरक्षा से संबंधित विषयों को शामिल किया। सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग की टीम द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। और इसी के साथ हिंदी समाचारों की यह श्रृंखला यही समाप्त होती है। नमस्कार।